एनआईए की टीम पीएफआई के मिथिलांचल प्रभारी तौसीफ के घर पहुंचकर परिजनों से घंटों गहन पूछताछ कर घर में रखे सामानों को खंगाला और संदेहास्पद सामान को कब्जे में कर साथ लेते गया। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र तौसीफ के घर एनआईए की टीम का पड़ा छापा। बताते चले कि पटना के फुलवारी शरीफ थाना में देश विरोधी गतिविधि को लेकर दर्ज मामले की जांच को लेकर एनआईए गुरुवार की सुबह बेनीपट्टी थाना के मकिया पहुंची, जहां उन्होंने कथित पीएफआई के मिथिलांचल प्रभारी तौसीफ के घर घंटों जांच व परिजनों से पूछताछ की। एनआईए की टीम सुबह 6 बजे स्थानीय पुलिस के साथ मकिया पहुंची। एनआईए के घर पहुंचते ही पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। सूत्रों की माने तो एनआईए ने तौसीफ के संबंध में गहन पूछताछ कर घर के सामानों को खंगाला, जहां सूत्रों ने बताया कि एनआईए की टीम ने घर से एक मोबाइल सेट के साथ कुछ किताबों को कब्जे में लेते हुए अपने साथ लेते गई। बताया जा रहा है कि एनआईए की टीम ने तौसीफ के माता पिता व भाई व उसके संबंध में जानकारी ली, जिसके बाद तौसीफ के हर कमरों की तलाशी ली गई। एनआईए की टीम सुबह करीब 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक लगातार पूछताछ व गहन छानबीन करती रही। हालांकि एनआईए अधिकारियों ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। बता दें कि मकिया की तौसीफ का नाम फुलवारी शरीफ थाने में दर्ज प्राथमिकी में होने के बाद से ही क्षेत्र में अजीब माहौल था। एनआईए को जांच मिलने के बाद से एनआईए के आने की भी चर्चा हो रही थी। हालांकि गुरुवार को मकिया में विवाह कार्यक्रम के बीच एनआईए के आने से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। गौरतलब है कि तौसीफ इससे पहले भी पटना में गिरफ्तार हुआ था। वर्ष 2016 में उसकी गिरफ्तारी हुई थी, जो अभी जमानत पर जेल से बाहर है। वहीं बताया जा रहा है कि बकरीद के मौके पर वे अपने घर मकिया आया हुआ था। कहीं पर मिला था तो मैं जो क्या करते हैं उसको सिम लगा कर जो बच्चा सब जो है चालू कर दिया है, तो वो है सीन किताब है, एक करकरे का कासिल है, एक है ऐसी करके सीन टू किताब है, एक वो कॉपी है, ऐसी 6-7 सामान लेकर से गए। अब तौसीफ के कौन होंगे? वाली रहे। कितने देर ये लोग रहे हैं? एनआईए की टीम सुबह आई, सुबह कई घंटा लगातार एकदम सुबह आई है, तब से लगातार ये छानबीन कर रहा। क्या कुछ यहाँ से और कागजात क्या कुछ ले गए? और कुछ कागजात। तौसीफ कब यहाँ पे था, कब गांव में आए? 13 तारीख को। 13 से जब से मतलब एफआईआर हुआ इस तरह से कुछ 13 को हुआ है ना एफआईआर, जब से नहीं हमारी उनकी कोई बात नहीं है ना।